नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मुजफ्फरनगर रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 24, 97 घायल। मौके पर राहत बचाव कार्य का काम जारी। एटीएस की टीम भी कर रही है मामले की जांच। पूरी उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मृतकों के परिजनों को 3.5 लाख रूपए और घायलों को 50,000 रूपए के मुआवजे का किया ऐलान। मुजफ्फरनगर हादसे के बाद मातम की बाढ़, करीबियों को अपनों की तलाश। विपक्ष ने लापरवाही के लिए रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद कई ट्रेनों के बदले गए रूट। लद्दाख में चीन की चालबाजी को सेना के जवानों ने किया नाकाम। 15 अगस्त को चीनी सैनिकों ने की थी घुसपैठ की कोशिश। दोनों पक्षों में हुई झड़प का वीडियो आया सामने। आज 3 दिन के लद्दाख दौरे पर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 73वीं जयंती आज। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी वीरभूमि जाकर दी श्रद्धांजलि। गुजरात के गोधरा में गायों को बचाने आए पुलिस दल पर हमला। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। सुरक्षा बलों को वध के लिए ले जा रहे मवेशियों के बारे में मिली थी सूचना। दक्षिण एशिया के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। डेविड सैन्य अड्डे पर शीर्ष सुरक्षा सलाहकार के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की बैठक। मीटिंग में अफगानिस्तान समेत कई मसलों पर लिए गए फैसले। और टेस्ट में श्रीलंका को करारी शिकस्त देने के बाद आज वनडे में जीत के इरादे से उतरेगी विराट की सेना। कप्तान कोहली ने कहा, वनडे में भी लहराएंगे जीत का परचम। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज दोपहर 2:30 बजे से। ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।